नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते देश की दशा और दिशा। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं देश की दशा और दिशा पर। नागपुर शहर, फिर से हम आपको ले चलते हैं नागपुर शहर। नागपुर शहर के दसरा रोड मांगपुरा इलाके में, जो यहाँ का बहुत ही फेमस बस्ती है। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं आज दसरापुरा रोड के, मांगपुरा के दसरा रोड के हाल और क्या है वहाँ की जनता के हाल। जी, यहाँ के नगर सेवक बंटी शेर के, जिनकी वजह से क्या हाल हुआ है जनता का और क्या कहती है इनकी जनता, इनके इलाके की जनता, इनकी बस्ती की जनता, सुनिए। जी हाँ, यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान है, इस इलाके की जनता, वहाँ के नगर सेवक शेर बंटी शेर के की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना कर रही है। यह 5 वर्षों से सत्ता में रहकर भी जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए, जिसके चलते उनकी जनता उनको किस तरह से कोस रही है, पछता रही है कि क्या नगर सेवक चुनकर हमने दोबारा गलती, क्या नगर सेवक चुनकर हम गलती कर बैठे हैं, क्या ये दोबारा गलती करने की हिमाकत हम कभी फिर से करने वाले हैं, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं क्या है जनता का कहना। नमस्कार, मैं पूजा, स्वागत करती हूँ आपका एमएनएस न्यूज लाइव में। आज हम आए हैं नागपुर के दसरा रोड मांगपुरा की बस्ती का जायजा लेने के लिए। आइए बात करते हैं बस्ती के लोगों से। चलिए जी, नमस्कार, आपका नाम? छवि उत्तम लोखंडे। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि आपके बस्ती के नगर सेवक का नाम क्या है? बंटी शेड के। बंटी शेड के, हाँ जी। आपको इस बस्ती में कोई प्रॉब्लम है, आप बता सकते हो? हमारे को इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है, हमारे पे 1.5 लाख रुपए का बिल आया। हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में खाने की सोई नहीं, हम कहाँ से भरेंगे मैडम इतना बिल। और नल में पानी नहीं छोड़ते, थोड़ा सा पानी मिलता है वो नल का, तो हम कैसे भी ला लेते हैं, लेकिन हमारे को लाइट बिल की समस्या है मैडम। गटर, गटर। और ये गटर, यहाँ पे आते गटर वाले लोग गटर खोलने के लिए और बोलते कि अपन ज्यादा बोलने गए तो जाओ, तुम जाके बोलो, बोलते हो कोनाले नगर सेवक, किसको भी बताना जिसको बताओ बोलते हैं। जी धन्यवाद, क्या आप बता सकते हैं आपको इधर इलेक्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम है, मतलब बिल का वगैरह? इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आने है हमको, बिल ज्यादा आ रहा है। अने एक तो हम गरीब लोग हैं, हाथ मजूरी करने वाले लोग हैं, एक हम कितना 65,000 रुपए मेरे को किन बिल आया 65,000। तो आपने इस बात पे शिकायत नहीं की उनसे? शिकायत की है ना सर मैडम, लेकिन वो बोलते जो आपको जितना है उतना ही भरना पड़ेगा, ऐसा करके उन्होंने बताया, इसमें कम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करके उन्होंने बताया। क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है? पानी की है, मीटर की है, 1 महीना नहीं जाता तो बहुत सारा मीटर डाल देते हमारे पे। कबाड़ी धंधा है, थप पड़ा है, धूप के वजह से धंधा नहीं होता, सब लोग सो जाते, कहाँ से देंगे मीटर, नल का भी मीटर निकालते, बता। हमारे घर के डब्बे खाली है, वक्त पर लाते और वक्त पर खाते। आपने फिर इस बात पे किसी को बताया नहीं, आपने नगर सेवक को आपके बोला नहीं? आपने नगर सेवक को बोले, हाँ बोलते, वो 4 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ, फिर कौन जाता, नहीं जाते। फिर हमको ये टलाने की बात कर रहे, इसलिए नहीं जाते। फिर आप बताएंगे क्या आपको क्या प्रॉब्लम है करके? भाई नल नहीं है, लाइन नहीं है, गटर भरती, बहुत प्रॉब्लम है हमको, कोई है हमारी कोई समस्या नहीं करते जी। क्या करेंगे, गरीब है, बिल आ गया बहुत, इतना ये करते तो क्या करेंगे, गरीब लोग खाएंगे क्या करेंगे। हाँ, देखा दर्शकों आपने दसरा रोड मांगपुरा की जनता का कहना। नागपुर का एक इलाका जो नागपुर शहर, यहाँ की नगर पालिका जो इन्हीं छोटे छोटे इलाकों, बस्तियों, वार्डों से मिलकर बनती है, देखने में तो नागपुर शहर कितना सुंदर है लेकिन अंदर से उतना ही गंदा है नागपुर शहर। नागपुर की जनता त्रस्त हो गई है, आखिर क्या वजह है नागपुर की, इन बस्तियों में विकास की धारा नहीं बह रही है। आज इस दसरा रोड की जनता बिजली की वजह से कितना परेशान है, देखिए इनका 60,000 रुपए, 1-1 लाख रुपए बिल आया हुआ है। जो जनता दिन का 2 टाइम का खाने की सोई नहीं लगा पाती है, जिनके पास दिन में खाने के बाद शाम के खाने का क्या होगा, वो बंदोबस्त भी नहीं होता है, उसके बाद क्या ये जनता 1 लाख रुपए, 60,000, 50,000 बिजली का बिल भर सकती है? क्यों इनके मीटर चेंज नहीं करवाए गए, क्यों इन्हें पानी की व्यवस्था नहीं दी गई? आज इतने 45 डिग्री का टेम्परेचर में ये जनता बिना पानी के अपना जीवन यापन कर रही है, बिना बिजली के रह रही है। ये जो बच्चे है कैसे पल रहे होंगे, कभी सोचा है आपने? जी हाँ, लेकिन यहाँ के नगर सेवक को इनकी कोई भी गुंजाइश और गुजारिश सुनने का कोई भी टाइम नहीं है, वो ना इनकी समस्याओं को सुनते हैं ना उनका समाधान कर पाते हैं। जनता नगर सेवक चुनती ही इसलिए कि वह अपने नगर सेवक को अपनी समस्या बता सके और वो उसका समाधान कर सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है।